IDTV presents पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 28 कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हुए। अतिरिक्त उपायुक्त श्री वीएम जॉन ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ साथ सुखमय जीवन की कामना करते हुए स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। देश की राजधानी दिल्ली में डीटीसी कर्मचारी की हत्या से हड़कंप मच गया। न्यू उस्मानपुर इलाके में डीटीसी कर्मचारी को उसके 5 साल के बेटे के सामने गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपने भाजपा के नमो टीवी चैनल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा से इसकी शिकायत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विशाखापत्तनम में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। रॉबर्ट वाड्रा को विशेष सीबीआई अदालत से आज अग्रिम जमानत मिल गई। अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को 5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर अग्रिम जमानत की अनुमति दी है। बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम 5 रुपए बढ़कर 706.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया। भारत के एमिसैट उपग्रह के साथ विदेशी ग्राहकों के 28 नैनो उपग्रह लेकर जा रहे इसरो के PSLV C-45 का आज यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया और उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि उन पर कोई FIR दर्ज नहीं होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज सुबह 2 घंटे के भीतर मध्यम दर्जे की तीव्रता वाले भूकंप के 9 झटके महसूस किए गए। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम इलाकों में आज भारी गोलाबारी की, जिसमें BSF का एक अधिकारी शहीद हो गया जबकि एक अन्य 5 साल की लड़की की भी मौत हो गई। ये है DID में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल तक।